फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। एकदम लर्निंग बच्चा के लिए है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका लेक्चर टू। इससे पहले हम वीडियो में बताए थे कि जैसे हम किसी सिंबल लिखते हैं ए जेड, तो ये सिंबल है, सिंबल है, ए है मास नंबर, मास नंबर ए बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जेड होता है एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉन के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि ए बराबर एन प्लस पी, एन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जेड, एन बराबर ए माइनस जेड। अब जैसे कोई एक एटम है जैसे कैल्सियम है 40 पीस, तो वन एटम ऑफ कैल्सियम, एक एटम कैल्सियम कंटेन 40 माइनस 20, 20 न्यूट्रॉन, ये 20 है, तो प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन भी 20, ये हुआ न्यूट्रॉन का संख्या 20। अब इस जैसे हम एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डाल लेंगे, तो एक एटम का वजन कैसे निकालना वो सीखना है, फिर उससे हम लोग मोलर मास निकालने सीख जाएंगे। तो ये सीखने के बाद हम लोग का मोल कॉन्सेंट्रेशन इजी हो जाएगा। यहां पर है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हम लोग जानते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 माइनस 24 ग्राम इसके बराबर होता है, करीब करीब बराबर होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 माइनस 28 ग्राम। ये वजन बहुत छोटा है तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं ठीक है। तो सिर्फ हम लोग को मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन 1.66 माइनस 24 ग्राम प्लस प्रोटॉन इनटू 1.66 माइनस 24 ग्राम। अब इस तरह से हम दोनों ले लेंगे, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनटू 1.66 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जोड़ को हम लोग मास नंबर कहते हैं, तो मास नंबर को हम इतना गुना कर दें तो उसके एक एटम का असल में वजन मालूम हो जाएगा। तो हम लोग इस बात को इस तरह से याद रखना है कैलकुलेशन को कि मास ऑफ वन एटम उसका मास नंबर गुना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन कितना होगा, हम लोग बोलेंगे ए इंटू 1.66 माइनस 24 ग्राम। अब ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि वन मोल ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के एक एटम 6.023 एटम्स के बराबर होता है, इसको हम लोग एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं।
और एक बात नोट करके यहाँ जाना जाए कि सिक्स जो हम लोग लिखते हैं 1/1.66 -24 एग्जैक्ट नंबर इतना आता है, इतना। इसका मतलब है क्या 1.66 × −24 × 6.23 को करेंगे तो हम लोग 1 के बराबर आएगा। अब इसी हिसाब में हम अब बात करते हैं, एक एटम को लेते हैं। अब जैसे हम मास नंबर ये सब सीखे हैं हम लोग, तो सिंपल बात है, एक एग्जांपल लेते हैं। सोडियम 23 है, इसका पॉइंट लिखे मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का 27 × 1.66 − 24 ग्राम। अब मोलर मास किसको कहते हैं? मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट द मास ऑफ वन मोल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक मोल का वजन, और कह सकते हैं मास ऑफ 6.023 × 10³ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के 6.023 × 10³ एटम का जो वजन होगा उसको हम लोग मोलर मास कहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर सोडियम को देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिसाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सोडियम 23 23 मास नंबर हो, 23 × 1.66 × 10²² × 6.023 × 10²³, इसका गुणनफल 1 होता 23 ग्राम, यानी 23 ग्राम जो हो गया सोडियम के एक मोल का वजन हो गया। 23 ग्राम क्या हुआ, सोडियम एलिमेंट के एक मोल का वजन हो गया। अब इस तरह से हम लोग एक मोल का वजन किसी का भी बता सकते हैं। अगर एक मोल का वजन हमको मालूम हो जाएगा तो हम सब कुछ बता सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम 24 बार। अब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 24 × 1.66 − 24 ग्राम मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम के एक एटम का वजन हुआ। अब मोलर मास कितना हो जाएगा, 24 × 1.66 × 10²− 24 ग्राम × 6.023 × 10²³, यानी 24 ग्राम, ये मिलके एक हो जाएगा। तो 24 ग्राम हो गया मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम का ये मोलर मास हो गया। अब इस तरह से हम किसी भी चीज का डायरेक्ट आप एग्जांपल ले सकते हैं, 14 7 14 ग्राम एक मोल नाइट्रोजन का वजन। अब इस तरह से हम एक क्वेश्चन उठाते हैं कि सिर्फ दिया हुआ वजन तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल नंबर ऑफ मोल, गिवन मास ऑफ गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसके मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मोल निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स यहां पर लिखेंगे मोल
जितना मोल निकलेगा गुना 6.023 10 टू द पावर 23, इतना से गुना कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, ये एटम का संख्या निकल जाएगा। हम दो चीज सीखे यहाँ पर, मोल निकालने और एटम सिखाने, और फिर उसके बाद मास निकालने सिखाएंगे, तभी हम एलिमेंट के टर्म में इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम एक क्वेश्चन उठा बात करते हैं, क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ए, बी हुआ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन दी फॉलोइंग नीचे दिए गया है वजन है, उसमें हमको मोल और नंबर ऑफ एटम याद करना है। अब जैसे हम लोग 28 ग्राम ऑफ कार्बन 14(6) बी हम लोग 64 केजी ऑफ सल्फर 32(16) सी, ये 1-2 कर देते हैं, पर सेम ही है, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 हम लोग लेंगे यहाँ पर 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम 23(11). अब एक और ले लेते हैं 4 नंबर में, है ना, ये ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 20 ग्राम ड्यूटेरियम 21 5 नंबर लेते हैं 120 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 12(6), ये 5 क्वेश्चन हम 5 एग्जांपल बना के लिए, तो अब इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह से दिए हुए वजन में एटम और मोल निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, जो सीखना है सॉल्यूशन फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम। 28 ग्राम ऑफ कार्बन 14(6), इसमें मोल सीधे यहां पर 14 ग्राम, एक मोल कार्बन 14 का वजन दिया हुआ वजन कितना 28/14 2 हो गया मोल। एटम्स कितना होगा, तब मोल है 2, इसको इतना से गुना करें, ये मोल हो गया, एटम हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 64 केजी ऑफ सल्फर 32(16), 64 × 1000 ये हो गया 60,000 ग्राम। अब हम इसमें मोल निकालें, मोल 64 × 1000/32, ये 32 एक मोल का वजन हो गया, तो 2 × 10³ मोल हो गया इस तरह से। अब इसमें हम ए निकालें, बी एटम्स निकालेंगे, एटम्स कितना होगा, मोल कितना है 2 × 23 10^23, ये पावर इसमें जुड़ जाएगा 10^26 हो गया, 2 से इसको गुना कर देंगे 6×4 = 12, इतना एटम का संख्या हो गया। अब इस तरह से हम लोग तीसरा बात करें, तीसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग, ये यहाँ से मिटा रहे इसको, दूसरा क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, पहला दूसरा अब तीसरा है। 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम 23(11), तो देखिए 23 ग्राम एक मोल का वजन, इसको हम लोग 2.3 1000 से भाग देंगे, 2.3 10^-3 ग्राम में बदल जाएगा, हम मोल निकालेंगे,
दिया हुआ वजन इतना है 2.3 10 टू द पावर माइनस 3 ये पॉइंट है 23 से ये भी हटा दीजिए यहाँ माइनस 4 कर दीजिए 27 कर दिया 10 टू द पावर माइनस 4 मोल। अब इसमें एटम्स बताया था इतना मोल है इसको इतना से गुना कर देंगे ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा तो 6.023 10 टू द पावर माइनस 19 एटम का संख्या आएगा। अब चौथा है एकदम सिंपल 20 ग्राम ड्यूटेरियम 21 ये मोल का वजन तो मोल बताइए ए मोल ये हुआ ए ये हुआ बी मोल 20 दिया हुआ वजन तो 10 एटम बताइए एटम कितना होगा 10 गुना 6.023 10 टू दी पावर 23 एक पावर इसमें जुड़ जाएगा 6.023 10 टू दी पावर 24 एटम का संख्या हुआ। अब 5 नंबर 120 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14.6 120 को हम लोग 1000 से भाग देंगे तो ग्राम में बदलेगा तो अभी कट गया ये हो गया 12 गुना 10 टू दी पावर माइनस 2 ग्राम। अब इसका हमको मोल निकालना है तो मोल कैसे निकलेगा अब देखिए ए मोल कितना है 12 गुना 10 टू दी पावर माइनस 2 भाई 12 कर दिए माइनस 2 मोल हो गया। अब एटम देखिए बी में 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 6.023 23 अभी दो घट जाएगा 6.023 10 टू दी पावर 21 एटम का संख्या हुआ। इस तरह से हम लोग पढ़े हैं और इसका आगे और डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में कल इसका और वीडियो जारी करेंगे। बीच में ये गैप हो गया था फिर इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बात जो है जो टेन पास बच्चा है बिहार बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का उनके लिए ये बहुत सही रहेगा। देखिए केमिस्ट्री याद नहीं करना सीखना है समझना है तो केमिस्ट्री इस तरह से मजबूत हो जाता है इंटरेस्ट पैदा होता है और हमको एनसीईआरटी थ्रू पूरा स्टडी करना है उसी से हमारा हर एंट्रेंस क्वेश्चन का एग्जाम रहता है। ये छोटी छोटी बात जो है हम केमिस्ट्री का भी सिखा रहे हैं जो जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं टेन पास कर लिए हैं आगे उनको इलेवेंथ में साइंस पढ़ना डॉक्टर इंजीनियर बनना है इस पर पूरा फोकस करें ध्यान दें आपका क्वेश्चन बनेगा और केमिस्ट्री आप सीखेंगे और बहुत बेहतरीन सीखेंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच फिर नेक्स्ट वीडियो में और बात बताया जाएगा।